तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें देखिए पूरी आस्था के साथ नतमस्तक होते हुए भगवान के सामने इस वक्त योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए पूरी विधि विधान से, नामांकन से पहले। इसके बाद के भी कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे यहां मंदिर, पूजा अर्चना करते हुए, मत्था टेकते हुए। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी यहां मौजूद हैं, वो भी पूजा अर्चना करते हुए। आप इस वक्त देख सकती हैं कि मंदिर से दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री निकले हैं और जो उनके गुरु की समाधि है वहां पर जाकर के इस वक्त मत्था टेकेंगे। तो ये तमाम सीधे दृश्य हैं जो हम आपको इस वक्त अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। और महंत अवैद्यनाथ का जो की जो समाधि स्थल है वहां पहुंचे हैं, अंदर पूजा पाठ, यहां भी वो मत्था टेकेंगे। यानी कि जो एक पूरी परंपरा है, जब वो नामांकन के लिए निकलते हैं उस वक्त की ये परंपरा है, पहले गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की और अब उनके जो गुरु हैं उनके पास पहुंचे हैं। अवैद्यनाथ जी का जो समाधि स्थल है जहाँ उनकी मूर्ति लगी है वहाँ इस वक्त की आप तस्वीरें देखेंगी। गुरुओं को मत्था टेकने के बाद मुख्यमंत्री यहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन आप देखें, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर शंख बजाए जा रहे हैं, जो पुरोहित हैं वो पूजा अर्चना का जो एक तरीका होता है उसको फॉलो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भगवान का नमन किया, पहले गोरक्षनाथ पीठ में मत्था टेका और उसके बाद अपने गुरु के दरबार में पहुंचे हैं। यहीं पर उनका समाधि स्थल है, उनकी समाधि स्थल है और बाहर के ये दृश्य हम आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश दिखा रहे हैं। तो इस वक्त भी ये तस्वीर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देखिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे रोक रही हूँ मैं आपको, जरा ये तस्वीरें दिखा दें क्योंकि देखिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में पर्चा भरने योगी आदित्यनाथ जाएंगे और उससे पहले अमित शाह को भी पहुंचना है। 10:30 बजे का वक्त अमित शाह के पहुंचने का है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आस्था में सराबोर डूबे हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मंदिर में जाकर बाकायदा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक बताया जा रहा है ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको भव्य बनाने की तैयारी है क्योंकि इस अमित शाह के आने के बाद ही बताया जा रहा है एक संबोधन होना है, 1000 के करीब लोग उसमें होंगे। एक अलग संदेश, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देने की यहां पर कोशिश बीजेपी की जरूर होगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से नामांकन अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी लेकिन उससे पहले मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए योगी आदित्यनाथ। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, अभी भी योगी आदित्यनाथ मंदिर में ही है या उनका काफिला निकला अभी? नहीं अर्पिता, इस वक्त अभी तक मंदिर में है, उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित की और मैं फिर एक बार दिखाऊं अपने इस वक्त वो गाड़ी में मौजूद और उनका सुरक्षा घेरा। मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे इस वक्त गाड़ी में और सीधा वो एयरपोर्ट की तरफ अब निकल चले हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से वो सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं, मंदिर से उनका प्रस्थान हो गया और अब वो एयरपोर्ट जाएंगे, वहां अमित शाह को रिसीव करेंगे और उसके बाद उन्हें लेकर एमपी एंटर कॉलेज आएंगे। तो यहां पर बहुत सारे जो मठ के भीतर जो साधु संत हैं वो आपको दिखाई देंगे लेकिन मुख्यमंत्री का प्रस्थान यहां से हो गया। और अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो सबसे पहले उन्होंने सुबह सुबह जो उनकी दैनिक दिनचर्या की पूजा होती है वो किया है लेकिन जब आज वो अपने इस नामांकन के लिए निकले हैं तो इस गोरक्षनाथ मंदिर में सबसे पहले उन्होंने मत्था टेका, दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की। और इस तरफ मैं आपको बाएं तरफ दिखाऊं तो इस तरफ उनके गुरुओं की समाधि है, महंत अवैद्यनाथ की जो समाधि स्थल है यहां पर उन्होंने मत्था टेका है और जो दूसरे उनके पहले के जो गुरु हैं उन सबों की ये समाधि स्थल यहां पर बनाई गई है। तो एक कह सकते हैं कि जो परंपरा रही है अपने गुरुओं को प्रणाम करके आगे बढ़ने की, तो एक बड़ा दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन नामांकन कर रहे हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सदर सीट है, यहां बीजेपी का गढ़ है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। तो ऐसी स्थिति में आज से जो यहां की शुरुआत हो रही है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे पूर्वांचल में किस तरीके का सियासी माहौल बनता है।